हो चुका है करीब 4:35 एंड सुबह के, एंड ये नाइट आई का बल्ब, हेडलाइट बल्ब है टाइगर ही। आते आते एक हादसा हो गया है, अभी बज रहा है 5:26 और वो धीरे हल्का सा दिख रहा है, धीरे धीरे गोल्डन हो रहा है। हियर इज द सन द कांचनजंगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग एंड वेलकम टू सौरभ कर्मकार ब्लॉग्स। सो अभी टाइम हो चुका है करीब 4:35 एंड सुबह के, एंड डेट है 5th of November एंड हम लोग अभी निकले हैं टाइगर हिल के लिए। अंधेरा है, सामने सिर्फ बाइक का हेडलाइट जल रहा है, इसका ही लाइट आपको दिख रहा होगा। सो मिलते हैं, अभी होटल से निकले, रोड पे आए, थोड़ा लाइट हो या कुछ भी, और थोड़ा रोड पे मतलब बाइक स्टार्ट करके निकल जाए, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो वी आर ऑन द रोड एंड अभी मतलब अंधेरा भी है, ठंड भी बहुत ही ठंड है एंड अभी हम लोग निकले हैं टाइगर हिल के लिए एंड रास्ता कुछ चढ़ाई। एक्चुअली मैं चोक ऑफ करना भूल गया था, इसके लिए ही ये बंद हो गया, लेकिन अभी सब ठीक है, सही है। एंड ये रास्ता हम लोग अभी मैप देख के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो होटल का ओनर है या फिर स्टाफ, उसने हमको रास्ते का लोकेशन बताया कि इधर से जा सकते हैं, नज़दीकी होगा, करीब 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है इधर से। एंड गूगल में तो टाइम दिखा रहा है करीब आधा घंटा, तो देखते हैं। वैसे भी ये जो आप व्हाइट लाइट देख रहे हैं, ये नाइट आई का बल्ब, हेडलाइट बल्ब है, इसलिए इतना लाइट हो रहा है। नहीं तो जनरली मेरा जो स्टॉक बल्ब था उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं होता था। एंड रात का टाइम, अंधेरा है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, आप लोगों को भी कुछ अच्छे से कुछ नहीं दिखेगा, बोर हो जाओगे आप लोग भी। सो मिलते हैं एकदम फाइनल पॉइंट पे। तब तक वी आर ऑन टाइगर हिल। आते आते एक हादसा हो गया है, बताएंगे, थोड़ा रुक जाइए। पहले जो यहाँ का एक्चुअल व्यू है उसको दिखा देते हैं, उसके बाद क्या हुआ है उसको बाद में बताएंगे। थोड़ा फुर्सत से होटल पहुँच जाए, ऐसा बुरा कुछ ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं था, लेकिन हुआ है कुछ, दिखाएंगे आप लोग। दिखाने का तो है नहीं, बताएंगे क्या हुआ हम लोगों के साथ। फिलहाल आप मज़े लीजिए इस सुंदर से व्यू का। जो लोग नहीं आ पाते इतना दूर, वो लोगों के लिए आप इस वीडियो को देख के ही मज़ा ले सकते हैं। अभी बज रहा है 5:26 और इधर लोकल्स का कहना है कि 5:45 को सनराइज होगा, तो देख सकते हैं कि सामने और भी बहुत सारे पहाड़ से ऊपर वो जो सब दिख रहा है, वो सब कुछ पहाड़ मेन पहाड़ है, ऐसे ऐसे जाते हुए इस साइड पे मेन पहाड़ कंचनजंगा। वो धीरे हल्का सा दिख रहा है, धीरे धीरे गोल्डन हो रहा है, बस यही तो देखने के लिए आए थे इतना दूर। जो नज़ारा आंखों से दिख रहा है वो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी जो भी दिखता है आप लोगों के लिए टाइगर हाजिर है थोड़ा प्रमो कर दो। और धीरे धीरे पूरा पीक जो है वो गोल्डन होता हुआ, मतलब क्या ही बताए इसका मज़ा, इसका जो फील है ना भाई साहब, आके लेना होगा। अभी तक सनराइज हुआ नहीं है, हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये जो पीक है, जो पीक यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, जो नज़ारा देखने के लिए लोग आते हैं, वो आ रहा है धीरे धीरे।
एंड हियर इज द सन, वो दिख रहा है पूरा पूरा रेड कलर एंड व्हाट ए व्यू। फाइनली द सन पूरा बाहर आ चुका है एंड एक बार आप लोगों को दिखाते हैं इधर से कंचनजंगा का नजारा दिखाते हैं इस बार कि पूरा पहाड़ एंड हियर इज द कंचनजंगा लग रहा है। बहुत ही सुंदर। एंड हियर इज मॉम एंड आंटी एंड हम लोगों के साथ है इधर में कंचनजंगा एंड थोड़ा और घूमेंगे तो आ जाएगा इधर में सन। वो ऊपर कंचनजंगा, नीचे में दार्जिलिंग सिटी एंड वो भी शायद कोई है, नाम नहीं पता। एंड आई एम 73-80% श्योर दैट इज कर्सियांग। एंड हम लोग है अभी इस जगह पे, सनराइज कंप्लीट, कंचनजंगा विजिटिंग कंप्लीट एंड अभी निकलेंगे। जो देखने आए थे वो देख लिया है और चारों साइड का भीड़ आप लोग देख ही पा रहे हैं, इतना आप लोग है चारों साइड, लोग उधर में सन, पीछे में है सन एंड इसके साथ ही इस साइड पे कंचनजंगा। बस यही देखने के लिए आए थे, अब हो गया। सो टाइगर हिल विजिट कंप्लीट, दार्जिलिंग का जो ट्रिप था, जो प्लानिंग था, ऑलमोस्ट सब कंप्लीट। अभी हम निकलेंगे इधर से निकल के नीचे से बाइक लेंगे। बाइक नीचे मतलब उसके नीचे नहीं है, बहुत नीचे है, एक मोड़ था दर मेन रोड से, उधर में नीचे में बाइक है एंड उधर से बाइक लेके हम लोग निकलेंगे टूवर्ड डाविल्स। एंड डाविल्स विजिट करने के बाद क्यों थोड़ा सस्पेंस बना रहे, बताएंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे ना, जल्दी कहाँ है, क्यों है,
हम भागे तो नहीं जा रहे, आप लोग भी भागे नहीं जा रहे। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट फ्रेम पे, डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग पे, ऑन माई स्कूटर।